ये देखो हमारे पार्क में होली का दहन की तैयारी हो रही है, अभी दिन का टाइम है, तो सारे में होली होली हो रही है। देखो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, दीदी क्या कर रही है तू? गोला घिस रही, गोला। अच्छा, होली की तैयारी शुरू हो गई है, आप लोगों के घर में भी हो गई होंगी। हाँ। आधा गोला निम्मी ने घिसा, आधा गिरा दिया। मेरे तो हाथ दर्द करने लग गए। तेरे हाथ भी हो रहे हैं दर्द? हाथ मत काट ली अपना। गर्मी लग रही है ना ऐसे में? कपड़े भी चेंज नहीं किया अभी। तो कर ली थी पहले कपड़े चेंज। चल तू गोला घिस। गाइस दीदी अभी कैसे बैठी थी और अब कैसे बैठी है, इसको घिसते घिसते इसकी तो जान ही निकल गई बिचारी की। कैसा लग रहा है? नहीं घिसा जा रहा ना देर से। वाह वाह वाह, और घिस। सो गाइस यहाँ पे मम्मी ने देखिए ये बनाया हुआ मिक्सचर सूजी का, जो हम गुजिया में भरने वाले हैं, तो मम्मी इसको इसमें ट्रांसफर कर रही है। मम्मी कुछ कहना चाहते हो आप? अभी मम्मी परेशान हो गई है इसको ट्रांसफर करने में, बहुत मेहनत लगती है ऐसा मम्मी का कहना है, है ना मम्मी? बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तभी तो टेस्टी भी बनते हैं। तो त्योहार पे तो बनाना चाहिए ना। सो गाइस हो गया ट्रांसफर और अभी मम्मी इसको हटेगी, फिर मैं काम करती हूँ। हमारा घर पूरा हमने फैला रखा है, ठीक है। चलो गाइस मैं ये सब धो धा के मिलती हूँ आपसे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबके घर में होली की प्रिपरेशन हो रही होगी, हमारे घर में भी हो रही है। तो अभी यहाँ पर हम लोग ना गुजिया बनाने की तैयारी कर रहे हैं और बाहर ना म्यूजिक चल रहा है, तो बहुत शोर हो रहा है। आज होली का दहन का दिन है, तो पार्क में होली का दहन भी किया जाएगा, अभी थोड़ी देर में किया जाएगा, और हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं गुजिया बनाने की। तो अभी मम्मी आटा लगा रही है, बाकी जो हम थोड़ी बहुत चीज़ें हमने की थी वो मैंने आपको ब्लॉग में दिखाई दी है। तो अभी मम्मी लगा रही है आटा और बात कर रही है मामा से। तो देखिए मम्मी, मम्मी क्या कर रहे हो आप? ये देखो गाइस मम्मी लगा रही है आटा गुजिया के लिए और मामा से बात करिए, मामा का कॉल आया। तो गाइस निम्मी बैठी हुई है यहाँ पर, निम्मी के बस का भी कुछ नहीं है गाइस। मेरे पास तो बहुत है बेटा, एक नारी अनार अनार चाहिए, एक नारी घिसा दिया थी, मैंने घिसा था खुद को, आधा तो गिरा रही थी। तो गाइस अभी मम्मी करने वाली है, उसके बाद होली का दहन भी होगा, बस हमारे मजे आ गए। तो गुजिया खाने के लिए मिलेगी टेस्टी टेस्टी। शोर तो बाहर चल रहा है म्यूजिक, होली की तैयारियां यहाँ ऐसी होती है, बस होली का नाम सुनो और प्रिपरेशन शुरू और शोर शराबा शुरू, और मेरी आवाज़ अब तेज आने लग गई ना बाहर म्यूजिक बंद। सो गाइस अब गुजिया की प्रिपरेशन तो हो चुकी थी पूरी, तो अब देखो हम सब मिलके गुजिया बना रहे हैं। सिमरन भी आ रखी है, बुआ भी आ रखी है, तो आधे लोग बेल रहे हैं, आधे लोग गुजिया का भर रहे हैं, और मैं यहाँ पे रख रही हूँ, पर मैं अभी बेलती हूँ ना, इतना सारा हो रखा है, तो करते हैं साथ में, पहले सबसे मिलते हैं। ये देखो ये सिमरन और बुआ, मेगा होती तो ये वाली डोटी नहीं बाती हो। हाँ उसको यही पसंद था है ना। और निम्मी यहाँ बैठ के सबका तमाशा देख रही है कि ये कर क्या रहे हैं। और मम्मी भी यहाँ पे बेल रही है और बुआ ये लोई बना रही है। लोई लोई होता है वो, लोई होता है गोले बर्फ के गोले। तो ये देखो हमारे इधर क्या बोलते हैं, तो बन रहा है तो हम बनाते हैं। सो गाइस गुजिया बन चुकी हैं और अब हम बना रहे हैं नमक पारे और मट्ठी, तो उसकी प्रिपरेशन ना सिमरन कर रही है। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये रही सिमरन, इसने ही बोला कि मैं गूंदूंगी आटा, तो लग गई आटा गूंथने में।
सिमरन कैसा लग रहा है? सूखे कहाँ है सिमरन? वो पहले वाले सूखे होंगे। सो गाइस हम लोग ना अभी इसको तलने की, हट जाओ ना मम्मी, प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन नहीं है, हम इसे तलने ले जाएंगे। ये देखो यहाँ पर गुजिया सूख रही है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सूख ही गई है। और ये हमारी कामकाजी बच्ची है, किसी को रिश्ता भिजवाना हो तो बिना झिझके भिजवा दें, रिजेक्ट करना हमारे हाथ में। साथ साथ बोल भी दी, भिजवाने से पहले लोग सोचते रह जाएंगे। तो गाइस अभी हम इसे फ्राई करने जा रहे हैं और मैं मट्ठी की प्रिपरेशन करते हैं। तो गाइस मैं बना रही हूँ लच्छे वाली मट्ठी। लच्छे वाली मट्ठी? हाँ, लच्छा लच्छा, कच्चा नहीं, लच्छा। और तू क्या कर रही है दीदी? मैं इसको गोले बना बना के दे रही हूँ। इसने बोला कि है ना ऐसे छोटे छोटे गोले बना के दे, वही बना रही हूँ। अच्छा, लच्छा मट्ठी देखने के लिए नहीं। लच्छा मट्ठी वो वाइप्स कह रही हूँ, उसमें वेव्स आएंगी ना। वेव्स? अच्छा, बहुत काम काज लड़की है, बहुत सी चीजें बनाना जानती है। दीदी अखबार दे दी मम्मी को। मम्मी मैं नहीं धोऊंगी बर्तन चुकी है ना, वो इस काम में इसका घर में बर्तन धोने का मन नहीं कर रहा है दोस्तों। चाची बुला रही है इसको कि बर्तन धोने, कह रही है मैं नहीं धोएगी। अच्छा अब मेरे को समझ में आया इसका पूरा गेम, क्या क्यों इस आटे को गूंदा और क्यों इसने लच्छे पराठे के द्वारा। हाँ, बर्तन ना धोने के लिए ना। तो तूने मेरी बेइज्जती भी कर दी, काम काज भूल गए। क्या करेगा ये, हम इतने शरीफ सीधे लोग हैं ना कि हमारी सच्चाई सामने आ जाती है। अच्छा, कल का क्या प्लान है तुम लोगों का? कल का कल ही दिखाएंगे हम ना भाई। हाँ, प्लान करते हम तो सरप्राइज अटैक, हम अटैक करते सीधा। प्लानिंग प्लॉटिंग की लोग क्या वो प्लानिंग प्लॉटिंग की जरूरत चालाक लोगों को पड़ती है। तो हमारा ट्रेंड टाइम टूटता जो होता है भाई, तो हम सीधा बम फोड़ते विस्फोट करते हैं। चलो दोस्तों बस बहुत हो गया, फटाफट करते, टाइम हो रहा है 9:30 हो गए।